कमरे में चंद्रमा की किरण नहीं कोई ले सकता। चंद्रमा की किरण का आनंद तो कमरे से बाहर निकलकर, तो कमरा तो कमरा है। किसने कहा? हमने पूछा कि कहा कमरे में कौन मरा? कमरा तो अशुभ, कौन मरा? कमरा तो व्यक्ति को मार डालता है, राम कथा व्यक्ति को जिलाती है। जिलाती है ना? ये राजस्थान की भूमि साक्ष्य दे रही है। मीरा जी को, मीरा जी को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा गया, पर राम कथा गुरु मिला रैदास, रैदास जी को गुरु मनाया, राम मंत्र पाया और बोली पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बस्त अमोलिक दी मेरे सद बार बार करें और 9 दिन तक कहेंगे और कहेंगे करके दिखाएंगे आपको। हमने कल भी कहा था कि पहले मैंने गोविंद देव के दर्शन का मन बना लिया था, पर कल मुझे अपनी बात याद आ गई। हमने वृंदावन में भी कह दिया है कि हे बांके बिहारी, हम आपके दर्शन तब तक नहीं करेंगे करेंगे जब तक कृष्ण जन्मभूमि का हिंदू पक्ष में फैसला नहीं आ जाता। और हम गोविंद देव से भी यही कह रहे हैं, हे गोविंद देव जी, हम तब तक आपके दर्शन करने नहीं आएंगे जब तक कृष्ण जन्मभूमि का फैसला नहीं आ जाता। अब तो निश्चित है हमें मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, हमें काशी विश्वनाथ का ज्ञान वापी चाहिए और हम रामानंदियों को जयपुर की गालता गादी चाहिए ही चाहिए। देख लेना, देख लेना किसका विजय स्तंभ लगता है। विजय तो हम तो जयपुर में ही, हमारी जय। तो चलिए कुंभ की तैयारी कीजिए। नासिक में लगल कुंभ मेला देखे कैमर मनवा करेला। सती जी ने शिव जी से कहा चलिए चलते हैं। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, संभोग
भजे रे नहीं सकते थे नहीं। चंद्रमा चंद्रमा नीचे नहीं आते किरण पिलाने के लिए, चंद्रमा की किरण पीने के लिए स्वयं अपने घरों से निकलकर खुले आकाश में बैठना पड़ता है। ये हमारा देखो पांडाल खुले आकाश में है, चकाचक पियो चंद्रमा की किरण। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको समझना पड़ेगा। और आप उधर बोलिए मत, और मैं भी इस प्रसारण के माध्यम से समझाने का आज प्रयास कर रहा हूं। कथाएं तो सभी कहते हैं, पर सबके कहने में और संत के कहने में एक अंतर होता है। संत जब कथा कहता है, सामान्य व्यक्ति जब कथा कहता है, तो उसके मुख से वासना की दुर्गंध निकलती है। और जब संत कथा कहता है तो उसके मुख से श्री रामोपासना की